शिक्षा का सही उद्देश्य क्या है, वकील साहब सिखाएंगे आपको। एक वकील साहब थे, ये सुबह सुबह बैठकर अपने घर पे अखबार पढ़ रहे थे, तब तक इनके घर की घंटी बजती है टिंग टिंग करके, और ये अपने वाइफ को बोलते हैं, साहिबा जरा जाके देखिए बाहर कौन आया है। तो जाके जब दरवाजा खोलती हूँ, देखते 6-7 फ्रेंड आए हुए थे वकील साहब के। बोले जी आपके दोस्त आए हुए हैं। तो वकील साहब ने कहा ठीक है मेरे पास भेज दो, और सबके लिए जरा चाय बना के ले आओ, सुबह सुबह दोस्तों के साथ चाय हो जाए तो मजा आ जाए। अब वकील साहब की जो वाइफ थी किचन में गई, इन्होंने दूध को उबाला, उसमें चाय पत्ती डाल दिया, अदरक डाल दिया, इलायची डाल दी, और जब उबाल आ गया चीनी डालने वाले थी, चीनी का डिब्बा था, देखा चीनी गायब है, चीनी खत्म हो चुका था। अब ये परेशान, चाय तो बन गई चीनी से बिना, अब चीनी है ही नहीं, मैं क्या करूं। अब जल्दी से बुलाएं अजी सुनिए थोड़ा किचन में आइए। वकील साहब किचन में गए, बोले क्या हुआ। तो उनकी पत्नी ने कहा कि चाय तो मैंने बना दिया, लेकिन जब चीनी डालने चली तो देखा चीनी है ही नहीं, अब क्या किया जाए। तो वकील साहब एक मिनट सोचे, बोले ठीक नो प्रॉब्लम, आप आना बिना कुछ बोले सबके सामने एक एक कप चाय रख देना और बिना कुछ बोले चली जाना। बोले ठीक है जी जैसा आप कहिए। वो चाय कप में निकाली और ला करके लोगों के सामने एक एक कप रख दी और वो चली गई। अब लोगों ने चाय उठाकर जैसे ही पहला शिप लेना चाहा, वकील साहब ने कहा जी रुको तो इतनी जल्दबाजी क्यों, सुबह सुबह आप लोग आ गए मुझे सरप्राइज दे दिए, तो मेरा भी तो हक बनता है आपको सरप्राइज दूं मैं। बोले आप में से 7-8 दोस्त थे उनके, बोले आप में से किसी एक के कप में चाय में चीनी नहीं है, और देखना जिसके कप में चाय में चीनी नहीं है आज शाम को पार्टी उसी को देना पड़ेगा, वो भी मटन पार्टी, मतलब 5-10 हजार का खर्चा। अब सब डरने लगे भगवान कहीं ऐसा ना हो मेरे में ही ना, नहीं तो फिर खर्चा हम ही को करना पड़ेगा। अब डरते डरते सबने एक एक कप उठाया और चाय की चुस्की लिया, और मजे की बात किसी में चीनी नहीं थी। तब तक एक व्यक्ति ने बोला अरे वकील साहब मेरा चाय तो बहुत मीठा है, मैंने वो बताने की कोशिश कर रहा था मैं तो बच गया, अब अपना अपना देख लो। और मजे से सब पीते चले गए, किसी ने ये भी नहीं कहा कि भैया मेरे चाय में चीनी। हम और आप होते तो क्या करते, जल्दी जल्दी पैसा लेते जाते दुकान पे, 1 किलो 2 किलो चीनी लेकर आते। अब ये कहानी सही है कि गलत इस पे मत जाओ, इसका मोरल ये है कि परिस्थिति कैसा भी हो आप उसका समाधान निकालने की कोशिश करो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और ऐसा समाधान जो सरल हो। शिक्षा का ट्रेनिंग का एक ही उद्देश्य होता है कि आपके दिमाग को खोला जाए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके दिमाग का ढक्कन मैं खोल के जाऊं, ताकि आप सीखते जाओ, डेवलप करो अपने आप को और आगे बढ़ते चले जाओ। और जब भी कम्युनिकेशन की बात आती है तो एक सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बॉडी लैंग्वेज। क्या होता है? और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये लोग इसको बहुत ज्यादा मिस कर देते हैं। जब हम लोग ट्रेनिंग देने आते हैं, बड़े बड़े डिग्री कॉलेज के बच्चों को जब ट्रेनिंग देते हैं यहाँ से लेकर नेपाल तक, तो एक समस्या आती है। हम जब किसी को कहते हैं कि आओ और अपना इंट्रोडक्शन दो, तो कई लोग आते हैं तो पता क्या है, आके खड़े हो गए। ध्यान से समझना, आप सब ये गलती करते हो, 2-3 को निकाल दो तो सब यही गलती करते हो। एकदम मुद्रा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज इमरान खान, आई एम एंकर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, आई एम फ्रॉम सोलगढ़ सिद्धार्थ नगर, एंड माय फादर नेम इज फलाना ढिमकाना एंड माय सर हो गया। ऐसा करते हो कि नहीं करते हो? सब लोग ऐसा करते हैं, ऐसा लगे जिससे जमीन में और आसमान में स्क्रिप्ट लिखा हुआ देख के बोलते हैं ऐसे ऐसे। दूसरी गलती ये करते हैं, ओपन बॉडी लैंग्वेज नहीं कर पाते। अभी जब अब 15 अगस्त आता है, 26 जनवरी आता है, या कोई भी ऐसा दिवस आता है जहां पे आपको थोड़ा सा बोलने का मौका मिलता है, आप लोग अपने आप को तैयार करो। एक बॉडी लैंग्वेज होता है क्लोज बॉडी लैंग्वेज, एक होता है ओपन बॉडी लैंग्वेज। क्लोज बॉडी लैंग्वेज दिखाता है कि आपके अंदर आत्मविश्वास, जैसे इस तरह से खड़े होना, ऐसे दुबक के खड़े होना, ये दिखाता है कि आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं। एक